गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम चल रहे हैं शॉपिंग करने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम वेडिंग शॉपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, हमें जाना है एक वेडिंग में, जिसके लिए हमने आज से शॉपिंग करनी है। तो आज शॉपिंग करनी थी मेरी और मेरे भाई की और मेरी मम्मा की। तो आज हम दीदी वाह दीदी सबसे पहले मम्मा की शॉपिंग करने के लिए हम इस शॉप में आए थे। तो बहुत ज्यादा गर्मी थी सच में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो मैंने फर्स्ट ये शरारा सूट देख लिया था, लेकिन मम्मी ने कहा था कि अगर कुछ पसंद आ जाए तो शुरुआत में हाँ मत कह देना। उसके बाद मैं उस दुकान से निकल भी गए थे, क्योंकि उसने एक दो पीस दिखाए जो कि मुझे पसंद आए थे, बाकी तो मुझे पसंद भी नहीं आए। फिर हमने सोचा कि दूसरी शॉप में जाके देख लेते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। फिर मैंने ये देखा, ये मुझे पसंद नहीं आए, हम तीसरी शॉप में गए। ओह माय गॉड, हमने बहुत संघर्ष किया है ड्रेसेस को लेने के लिए। तो मेरी फर्स्ट आउटफिट ये थी जो कि मैंने वहाँ पर ट्राई किया था, लेकिन हर दुकान पर हर शॉप पर ही लिखा था कि नो वीडियोज़ नो फोटोज़। तो हम किसी से कम है कि अपने यूट्यूब फैमिली को दिखाने के लिए कैसे ना कैसे तो हम फोटोज़ ले ही लेंगे। तो फिर ये मैंने दूसरा आउटफिट निकाला था अपने लिए। उसके बाद में ये थर्ड आउटफिट है जो कि मुझे ओके लगा था, नॉट सो गुड। एंड देन मैंने बहुत सारे और भी कपड़े देखे थे, लेकिन मैंने एक ही फाइनल किया था, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। और मैंने वहाँ से और क्या क्या लिया था वो सब मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो एक ये येलो वाला मैंने सूट लिया है, आप गैस करके बताना कौन सा लिया था इनमें से, जिस पर मैंने हाथ भी रखा है। कॉस्मेटिक दुकान पे गए तो हमने कुछ ज्वेलरीज वहाँ पे कहा भैया से कि भाई कुछ ज्वेलरीज दिखा दो। कुछ मुझे कड़े जो ये भैया दिखा रहे थे ना, ये बहुत सुंदर लगे, मतलब रियल गोल्ड लग रहे थे, लेकिन मैंने ये लिए नहीं। तो ये थैलियाँ सूट की है सारी। उसके बाद में मम्मी ने अपनी साड़ी के ऊपर पहनने के लिए रानी हार देखे, ताकि हम रानियों जैसे लगे उस वेडिंग में। तो मम्मी को ज़्यादा ये पसंद नहीं आई, इसलिए हमें बहुत सारी दुकानें अलग अलग चेंज भी करनी पड़ी। और भैया हमारी तरफ देख रहा था कि इतने सारे ऑप्शन दिखा दिए और कौन है दिखाऊं भाई मैं, कहाँ से आते हैं। उसके बाद बहुत सारी ज्वेलरीज ऑप्शन देखने के बाद में मम्मा को कोई एक भी पसंद वहाँ पे नहीं आ रहा था। फिर भैया ने कुछ अलग आइटम भी दिखाने स्टार्ट कर दिए थे, जैसे कि आप देख रहे हो पर्ल टाइप के हैं कुछ, तो ये थोड़ा और महंगा था, बट ये भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया सच में। मैंने कैसे कैसे चीज़ें रख रखी थी दुकान पे, एक भी चीज़ अच्छी नहीं थी, एक भी मुझे तो मतलब इतनी पसंद नहीं आ रही थी। क्या बोला तूने? इसके बाद बहुत ही मेहनत करने के बाद हमें एक ये ऑप्शन अच्छा लगा था, लेकिन हमने ये भी नहीं लिया क्योंकि मम्मी की साड़ी से मैचिंग नहीं था। हमने इन रखे हुए पीसेज में से ही एक पीस लिया, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि हमने कौन सा पीस लिया, इसमें एक हिंट भी है। फिर हम गए अपने भाई की सूट की शॉप में, तो हमने एक ग्रीन देखा था और एक ब्लैक देखा था, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो कि अच्छे नहीं लगे। तो आप बताना कि हमने कौन सा लिया जो कि बेस्ट था, रियली बहुत सुंदर था। उसके बाद बहुत तेज़ लगी थी भूख, तो हमने रिक्शा करा और रिक्शा करके हम चले दिए एक होटल में जहाँ पे हम ऑलवेज जाते हैं। और 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग के। तो ये रेस्टोरेंट स्टार्ट तो नीचे से हो जाता है, लेकिन ऊपर सिटिंग एरिया है और नीचे गोलगप्पे वगैरह है। तो हम सबसे पहले सिटिंग एरिया में गए क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। उसके बाद में हमने वहाँ पे कुछ खाया, पैसे से पहले तो कुछ ऑर्डर किया था क्योंकि कोई था ही नहीं वहाँ पे हमारे अलावा, लेकिन यहाँ का खाना इज़ ऑसम, रियली बहुत टेस्टी है। फिर सबसे पहले पानी हमने खुद नहीं पिया, वैसे उन्होंने रख दिया था यहाँ पर सर्व खुद नहीं करना होता है, इसमें वैसे कोई शेम वाली बात नहीं है। मुझे तो अच्छा लगा इनकी बिहेवियर, इनका अच्छा लगा मुझे काफ़ी। उसी हमने थोड़ी सी ऑर्डर शॉप कर दिया, लेकिन थोड़ा सा माहौल देख लिया आसपास का कैसा है। उसके बाद में हमेशा की तरह मैंने करे थे अपने डोसे ऑर्डर, तो हर जगह की मैं डोसे ही खाती हूँ, चाहे मैं कहीं चली जाऊँ मैं सबसे पहले डोसा खाऊँगी, क्योंकि मुझे डोसा बहुत पसंद है यार। इसका सांभर इतना टेस्टी नहीं था, लेकिन चटनी दोनों ही औसम थी, एंड डोसा भी काफ़ी औसम था। इसमें मसाला भी काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में दे रखा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। रेटिंग मैं 8 out of 10 देना चाहती हूँ, मैं 10 out of 10 ही देती, लेकिन दोनों की सांभर ने ख़राब कर दिया। उसके बाद में हम ब्यूटी पार्लर में गए, अपॉइंटमेंट ली जिस तारीख को शादी है उससे एक दिन पहले की। फिर घर पे आए तो ये मोर हमारे पत्ते खाने लग रहा था, बहुत चल्लाक मोर। उसके बाद में हमने घर पे आते ही गोलगप्पे खाए जो कि बहुत टेस्टी थे, हम वहाँ से पैक करा के लाए थे। गोलगप्पे तो मेरे वैसे ही फेवरेट हैं, तो घर आके खाने में भी मज़ा अलग है, लेकिन रेडी पे खाने का भी मज़ा ही अलग है। हम देसी बंदे हैं, और लेकिन ये विदेशी तरीके से खाने में भी कभी कभी मज़ा ही अलग है। तो ये आलू भी इनके काफ़ी अच्छे से बॉईल कर रखे थे, और पानी तो दोनों ही बहुत टेस्टी थे सच में, मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड मेरा तो ये रहता है कि पूरे दिन बस खाते रहो खाते रहो खाते रहो, मेरा कुआ कभी नहीं भरता है। तो फूड के अलग अलग वीडियोज़ भी आपको नई नई दिखेगी,
काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस दिखेगी आपको। तो मैं दोनों पानी हमेशा मिक्स करके ही खाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है हमेशा। उसके बाद मैं अंगूर खाए और कुछ पापाए लेके आए, तो चटर पटर हमारे लिए मैंने ये खाया। मुझे एप्पल की सबसे फेवरेट ड्रिंक है मेरी, मुझे सबसे अच्छी लगती है, साथ में इसके चिप्स भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने चटर पटर खाए और ऐसे ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आप कमेंट नहीं करते तो कमेंट भी प्लीज़ 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 ज़रूर कीजिएगा। एंड आज के लिए बाय बाय, राधे राधे।